गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विकास श्रीवास्तव, आई एम योर मैथ टीचर। बच्चों कैसे हैं आप? इस कोरोना के दौर में आप घर पे रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और कभी भी बाहर निकलने का इम्पोर्टेंट हो तो मास्क लगा के बाहर निकले। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल ज्योमेट्री। इन दिस चैप्टर हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ लाइन, हाउ टू मेक अ परपेंडिकुलर लाइन इन अ गिवन लाइन। इसमें सीखेंगे एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो उसके परपेंडिकुलर हो, और दूसरा चीज हम सीखेंगे एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो। आपको मालूम है पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइंस एक ऐसी लाइन होती हैं जो किसी लाइन के सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, बट नेवर मीट। तो सुन, राइट कर इसको, अ लाइन goes to same direction to another line but never meet intersect। एक ऐसी लाइन जो साथ तो जाती है बट वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। देखें, मान लो यहां पे एक कर देता हूं ए बी, ठीक है, ए बी एक लाइन है। अब इसी लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन जा रही है, मान लो क्या सीढ़ी है, क्या है वो सीढ़ी है। अब देखोगे ये दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में तो जाएंगी बट कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी और ना ही कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दीस टाइप ऑफ लाइंस कॉल पैरेलल लाइंस। ओके, तो बच्चों हमें एक इस एक्सरसाइज में 15.1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी को हमें बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले तो आप ये समझते हैं पैरेलल लाइंस होती क्या है। तो ये है पैरेलल लाइंस आपके, ठीक है। अब करना क्या होता है, बाद में जो क्वेश्चन दिया रहेगा एक आपको लाइन दे दी जाएगी, ठीक है, कह रहे इसी पैरेलल एक लाइन बनाइए, इसी पैरेलल एक लाइंस बनाइए और एक पॉइंट दे दिया जाएगा जो कि इसी लाइन के बाहर दिया है। मान लो पॉइंट बना लिया, तो क्या है, मान लो कि यहां पॉइंट सी है, कह रहे कि एक पॉइंट सी है, सॉरी सी कह रहा हूं, एक पॉइंट ये है आपका, ठीक है, जो सीडी लाइन के बाहर है, ठीक है। अब करना क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जो करना होगा मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो देखने के लिए करने के लिए स्टार्ट देख लिए दूसरा वीडियो, उसमें मालूम चल जाएगा कैसे इसको बनाया गया। ओके, देखिए आई होप बच्चों जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और उसी के रिलेटेड आप प्रूफ बनाओगे, ठीक है। काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत पेन जो पेंसिल आप यूज करोगे थोड़ा शार्प पेंसिल यूज करना, ठीक है, और थोड़ी गंदा ना हो, डर्ट ना हो उसमें, ठीक है। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक लिए गुड बाय एंड थैंक यू।